हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शोभा और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज दिन है शुक्रवार का, 29 तारीख है और गुड मॉर्निंग आप सबको। अभी घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, हम अभी जगे ही हैं, ब्रश कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद ठीक लगेगा। नहीं तो सो के उठने से भारी भारीपन लगता है थोड़ा सा। हम जब तक अपना फेस नहीं धोते, हाथ पैर नहीं धोते, हमको अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा फेस पोंछ लेते हैं तब काम शुरू करेंगे। अब बहुत ज़्यादा ही सुबह हो गया है और हम स्टार्ट कर दिए काम। पहले बेड से ही ठीक करना शुरू करते हैं, क्योंकि ना बहुत उलझन सा लगता है, भारी भरा भरा सा, इसलिए बेड को ठीक कर लेते हैं, तब बाकी का काम हम शुरू करेंगे। देखते कितना धूप निकल, धूप की तरह बाहर एकदम लाइट आ गया है। अभी पूरा तरह से धूप नहीं निकला लेकिन लाइट है। अच्छे से दे देते, आज पोछा हम नहीं लगाएंगे, अब शनिवार को ही लगाएंगे पोछा। बीच बीच में जब मन होता है नहीं लगाने का तो हम छोड़ देते हैं, साफ ही रहता है। और फिर हम चाय पी रहे हैं। अभी हम नहीं बनाए हैं आज चाय, आज हमको बना बनाया ही मिल गया है तो हम बैठ के पी रहे हैं। और किचन आ गए, ये हैंड वॉश खत्म हो गया था मेरा किचन का भी, तो वही सोचे डब्बा में भर लेते हैं। नहीं तो बर्तन साफ करने के बाद हम हाथ धोते या खाना बनाने से पहले तो दिक्कत होता है, साबुन हमको रखना होता है। इधर से थाल घर में, लेकिन हम भर नहीं रहे थे, आलस ही लग रहा था, भूल जाते थे या कभी ऐसे सोचते थे बाद में भरेंगे। थोड़ा सा भर के रख लेते हैं और देखते हैं, दोनों बाथरूम में है तो वहाँ भी डाल देंगे और यहाँ बाहर में सिंक के पास भी डाल देंगे डब्बा में। सब जगह रहता है तो अच्छा रहता है कि झटपट धो लिए। जल्दीबाजी में हम ना छोटा पैकेट ही मंगाए, नहीं तो बड़ा वाला ही मंगा के रख लेते हैं हैंड वॉश का। और एक टब कपड़ा रखा गया, अब उसको भी फूलने दे देंगे, इसलिए बाथरूम में रख दिए उधर अंदर। पानी इधर दे देंगे कपड़ा में पानी, और सूख होने के लिए, फूलने के लिए, तो वो हो जाएगा कि भारी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अंदर भी ही रख दिए। अरे हम नहा धो के बस सीधा मिल रहे हैं आपसे, कपड़ा भी धुल गया है। अब बचा है कपड़ा सूखने के लिए देने के लिए, पहले बाल धोए तो उसका पानी को सुखा लेते हैं। मेरा फेवरेट काम है बिंदी लगाना, अब ठीक लग रहा है। पानी तो उधर गया है, थोड़ा सा समेट लेंगे तब पूजा करेंगे, नहीं तो खुला खुला हमको अच्छा नहीं लगता है, पानी इधर उधर आते रहता है। और मेरा पूजा पाठ हो रहा है, अभी अभी नहीं किए हैं, सब कुछ तैयार कर लिए हैं, उसके बाद पूजा करने के बाद आपसे मिल रहे हैं। आरती हो भी हो गया था, अब सब जगह दिखा दिए। अब मेन गेट पे भी हम दिखा देते हैं, हम
गेट खुला नहीं रखते हैं क्योंकि उस जगह बाहर में जो बगल में रहता है उसका वॉशरूम है, इसलिए उसको बंद ही रखते हैं। हो गया था मेरा पूजा पाठ। मैम किचन आ गए। खाना बनाने के लिए आज हम लोग सत्तू ही पी लिए थे, ये लोग को भी दे दिए थे और हम भी थोड़ा सा पी लिए। अच्छा लगता है प्याज नींबू सब डाल के मसाला सब ना, सत्तू अभी तो गर्मी में और अच्छा लगता है और पीना भी चाहिए। आलू का सब्जी बना रहे हैं टमाटर वाला। मेरे घर में एकदम हरा हरा टमाटर है क्योंकि हम प्लॉट पे बहुत सारा निक हुआ है, तो सोचे थोड़ा सा ले लेते हैं तो ये ले आए थे, बहुत सारा है वहाँ पे, बड़ा बड़ा जो चुन के ले आए होंगे, लेकिन हरा ही है पूरी तरह से पका नहीं था। और ये सब्जी हो गया है तैयार, मसाला डाल रहे हैं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, बस चावल बन गया है, आलू का सब्जी और पकोड़ा बना लेंगे, और कुछ तलने का होगा पापड़ उपड़ तो तल लेंगे, बस यही सिंपल सा खाना रहेगा। आप लोग भी खा लीजिए, खाना निकाल रहे हैं। ये है आज का मेरा थाली और रायता बीट का, और उसके बाद एक घंटा बाद हम छत पे चले जाते हैं। ये देखिए नज़ारा यहाँ का, जहाँ हम रहते हैं वो ये छत है, कितना गार्डनिंग किया हुआ है, और ये फूल तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। हाँ ये देखिए शिमला मिर्च, कितना छोटा गाछ है, इसमें 5-6 शिमला मिर्च है, इधर से है और चारों तरफ से मतलब है, और देखिए बड़ा बड़ा ही है, अरे दिखा रहे थे कितना अच्छा है। और ये नींबू, और ये आम भी है, ये 12 मास फलता है, ये आम हमेशा भरा रहता है गाछ में। ट्रेन का पटरी दिखाई दे रहा है, ये है नज़ारा, बहुत ही अच्छा लगता है। छत पे हम जब ही चढ़ते थे हम ऐसे ही देखते रहते, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए पानी गिरने से कैसा हो गया है दीवाल पूरा ऑरेंज। यहाँ से स्टेशन भी दिखाई देता है। जब रात में ना लाइट वहाँ का दिखाई देता है, लॉबी जिसको बोलते हैं, अभी घर कुछ बन ही रहा है यहाँ पे, और बना हुआ है पहले से, जितना हरा भरा दिख रहा है बहुत ही अच्छा लगता है। फिर फ्रेश फ्रेश यहाँ का हवा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा इधर गाड़ी उड़ी नहीं चलता है इसीलिए, और गाछ वृक्ष है बहुत अच्छा लगता है हरियाली। देखिए छोटा ट्रेन आ रहा है, पता नहीं ये इंजन है क्या, इलेक्ट्रिक है, दिख नहीं रहा है वायर, लेकिन इलेक्ट्रिक वाला है यह। ऐसे जब हम नीचे में अपना बालकनी से देखते हैं साफ दिखाई देता है। और फिर हम आ गए थे यहाँ नीचे, मेरा पूजा पाठ भी हो गया था, और अब हम खाना का तैयारी कर रहे हैं। आज हम दाल वाला रोटी बनाएंगे, दाल भरा हुआ,
वही कुकर में उबलने के लिए दे रहे थे। और फिर जो बर्तन हम धो के रखे हैं दोपहर में, वो सब पानी गिर गया है, सबको लगा देते हैं। और सब्जी तो नहीं बनाएंगे, बस चटनी दो तरह का रहेगा, एक इनके लिए सरसों का चटनी बनाएंगे और हम लोग भी खा लेंगे बस वही चटनी, और फिर सॉस। आटा मिला रहे हैं हम बैठ के, बहुत अच्छा लगता है नीचे बैठ के बनाना, मेरी मजबूरी है नहीं तो नीचे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं रहता जब हम ये लगा के रख देते हैं। मेरे अनुसार वैसे है ये जगह, हम चाहे तो नीचे रख सकते हैं चूल्हा को, लेकिन हमको लगता है थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम स्लैब पे रखे हैं, नहीं तो हम नीचे ही गैस रखते। हमको नीचे बैठ कर बनाने में बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ऊपर में, मतलब हमको दोनों फैसिलिटी चाहिए। अरे हम रोटी बना रहे हैं, भरा हुआ रोटी हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको आसान भी लगता है बनाना, बस थोड़ा सा जो वही भूनने में टाइम लगता है। जैसे आलू को भी हम, आलू का जब पराठा बनाते हैं ना, उसको भी हम भून के ही बनाते हैं, ऐसे डायरेक्ट चोखा का नहीं बनाते हैं। और फिर ये दाल वाला, तो इसको तो भूनना ही पड़ता है। सिर्फ मीठा रोटी जो चिकना का होता है वो ऐसे बनाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है बनाया ये भरा हुआ बनाने में। अरे मेरा खाना रेडी हो गया, आप लोग भी खाइए। अब मिलते हैं बढ़िया वीडियो के साथ।